गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग खुद से कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ, मैंने फेस वॉश करा है और आज है जुम्मा, 12 रबीउल अव्वल है आज। और इन चारों ने मुझे सुबह से इतना तंग करा हुआ है, कभी कोई मेरे ऊपर आके गिर रहा है, कभी कोई मेरे ऊपर आके गिर रहा है, कभी आमना आके छलांग मार रही है, कभी हसन आके कर रहा है, रोना पीटना, लड़ाइयाँ झगड़े, सुबह से इनके यही मसले चल रहे हैं। तो अब जैसे कि मैं उठ ही गई हूँ, मैंने उन्हें उठ ही जाती हूँ क्योंकि ना इनके मसले तो ख़त्म हो गए नहीं, मैं ही उठ जाती हूँ। अब उठी हूँ तो भाई ब्रश बोला है मैंने सबको, ब्रश करो, तो ब्रश करने गई है नाबिया उरैन। और सुबह नाबिया के पापा से बात हुई थी ना, तो उन्होंने कहा था कि आज मेरे बच्चों को अच्छा सा नाश्ता बना के खिला देना, बना के तो नहीं बस कहा था अच्छा सा नाश्ता करवा देना। तो ये है कि अब मंगवा देती हूँ मैं छोले पराठे। हलवा पूरी तक तो हमारी पहुँच बहुत दूर है, हलवा पूरी जो है हमारी बहुत से दूर है, ठीक है। तो अब मंगवा लेते हैं छोले छोले और पराठे। फेस वॉश मैंने कर लिया है, ब्रश मैंने कर लिया है, दूध बॉयल हुआ हुआ है बस, वॉशरूम में चली गई हमने। ये देखो क्या हालत कर दी है वॉशरूम की ना, सब जगह है वाइपर कचरा। जिस दिन स्कूल की छुट्टी का दिन होता है ना, उस दिन ये लोग ना बहुत तबाही मचा देते हैं पूरे घर में। ये देखो क्या हाल करा है सब जगह का। और ये भी कोई सीधा बच्चा नहीं है, हसना आके मेरे ऊपर गिर रहा है, पूरे घर का लोगों ने बुरा हाल कर दिया। देखो यहाँ से घुसे थे सामान निकाल दिया, ये ड्राइंग रूम की हालत चेक कर। ये देखो ये मैडम मेरी जगह पे आके लेट गई सीधी बन के, सारा किया था इसका है। और ये देखो सारे तकिए पिलो ये सब हर चीज़ें ना कोने। पराठे वाले को कॉल करती है, पराठे जो हैं वो आ रहे हैं, पराठे और छोले। आई 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 मेरा मोबाइल, और कॉल वॉल करती है। अब मैं फटाफट से ना चाय बना लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ। पराठे जो हैं हमारे आ गए हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। अंडा भी मैंने फ्राई कर दिया है, चाय भी बन रही है, यहाँ पर चाय बन रही है सबकी चाय। और आज मैं भी एक पराठा आधा पराठा खाऊँगी क्योंकि बहुत दिन हो गया मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया, कॉफ़ी और वही पीती हूँ, अंडा और पता नहीं क्या क्या। तो आज एक पराठा चल जाना चाहिए क्योंकि आज है ईद और 12 रबीउल अव्वल जैसे कि आप लोगों को पता ही। तो बस ये अंडा भी बना दिए, दोनों अंडे बना दिए, छोले आ गए, सब कुछ आ गया, नाश्ता कर ले। तो भाई यहाँ पे देखो नाश्ता मंगवा दिया है मैंने, नाबिया और जो है नाश्ता कर रहे हैं, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। आमना की चाय ये रही आमना खा रही है। नाश्ता वास्ता जो है हम सब ने कर लिया था और अभी मैंने घर समेटा, और यहाँ से हसन और आमना ने बहुत बुरा तरीके से घर फैला दिया है। और अब मैंने बना ली है सबसे पहले जो है ना न्याज बना ली है क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल। तो ये देखें मैंने बनाई है बिरयानी, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनाई है मैंने, बहुत बड़ा पतीला बनाया है ये। अब ये है कि बना तो लिया है, बाट के कौन आएगा, क्या नाबिया के पापा तो चले गए, वही बाँटते थे, अब देखें क्या होता है, कौन बाँटेगा देखते हैं। लेकिन बिरयानी जो है बहुत मज़े की और ज़बरदस्त बनाई है मैंने। इसमें मैंने डाली है क्या चमचा, ये देखें, इसमें मैंने चिकन भी डाली है और छोले भी डाले हैं और आलू भी डाले हैं। तो यहाँ पर तो मैंने बहुत बिरयानी डाली है, चलो जाओ ठीक है। और ये दोनों नंगा और ये नंगी और नंगे पटंगे ना दोनों जो है ना, अभी मैं इनको सोनाने की कोशिश कर रही थी कि लेकिन ये लोग इतने बदमाश हो रहे हैं, सोना नहीं है। और हसन देखो यहाँ पे स्पाइडरमैन बन गया है, और आमना तो बहुत ज़्यादा बदमाश है। आमना को मैं तल तक मना कर चुकी हूँ, नहीं चढ़ो स्टैंड को पकड़ के, नहीं खड़े हो सुनती नहीं है। मामा शान चलने की कोशिश कर रहा है सब। वो देखो सब स्टैंड गिराई है ना, आमना नीचे उतर जाओ। जी बिरयानी वगैरह मैंने बना ली थी, सब बांट दी है, और बस फिर उसके बाद प्लान हो गया था मी घर जाने का। तो फिर मैंने अपने पापा को कॉल कर दी, तो फिर पापा लेने आए हैं मुझे, और तैयार मैं हो गई हूँ, सब तैयार हो गए हैं, आमना हसन अनाबिया हो रहे हैं, सब नीचे चले गए हैं, बस मैं हूँ तैयार, और ये हूँ तैयार।
और बस सारी लाइट्स वगैरह सब बंद कर दी हैं, सोलर बंद कर दिया है मैंने, और अब चलते हैं नानी होम। शान छोटे छोटे मामा शान मेरे प्यारे से शिदादे दिल के टुकड़े छोटे छोटे से। तो जी यहाँ से जो है हम निकल गए हैं अब घर से, और अब जा रहे हैं नानी के घर पर। और यहाँ पर मोहम्मद सन जो है मेरे पास बैठा हुआ था, और हुरैन जो है आगे नानी के पास थी, और अनाबिया हुरैन पीछे थी, और हम लोग फिर निकल चुके हैं अभी घर के लिए। और टाटा बाय बाय चल रहा है यहाँ पर, और हसन देख रहा है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, और हसन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। बाद फिर यहाँ से हमने पिया सोडा, और बस मैंने सोचा यार सोडा ले लेते हैं, थोड़ा सा इंजॉय हो जाएगा, तो फिर पापा सोडा लेकर आए हमारे, तो हमने फिर भी इंजॉय करें। फाइनली जो है अपने घर पर आ चुकी हूँ, और रास्ते में बड़ा मज़ा आया और बहुत दिन बाद काफ़ी टाइम बाद जो है ना तेज़ कार से चलाई है, तो मज़ा आया। बड़ा करीब में जाते हैं ना, वो बहुत स्लो चलाते हुए आते हैं, तो भाई आ गए हैं यहाँ पर। और बब्बू जो है ना अपनी चॉकलेट लेकर आया था, और स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए ये न्यूटेला आ गई है हाथ में, और बब्बू जो है स्टार्ट हो चुका है, और मम्मा सन जो है यहाँ पर मिठाई की तैयारी में है। अनाबिया ने खा ली है, मज़ा आया, पूरी खा ली, मज़ा आया। और आमना तो कचरा लवर है पता है, कोई चेंज वेंज हो गया है यहाँ पे, और अनाबिया और रैन आमना हसन जो है सब सो गए हैं, बल्कि हसन उठा हुआ है बस। और तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज का ब्लॉग यही सेंड करती हूँ, मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।